आज हम ये वीडियो बना रहे थे तो हाथ काँप रहे थे, इस वजह से क्योंकि हमारा भी बड़ा भाई है, हमारे भी छोटे भाई हैं, हम उन्हें डांट देते हैं, हम उन्हें बोल देते हैं कि पढ़ते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। लेकिन अगर वही भाई हमसे लड़ के और हमारी हत्या कर दे तो सोचिए वो स्थिति क्या होगी। आवाज़ हिल रही है, डर लग रहा है, डर जरूरी है क्योंकि क्या पता वही भाई हमारी हत्या कर दे। रिश्तों को शर्मसार होने वाली कई कहानियां हमने बताई होंगी, कई कहानियों पे आपने गौर भी किया होगा और कई कहानियों को आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन आज जो कहानी आपको बता रहे हैं ये कहानी नहीं, इंतफाक नहीं, एक सच्चाई है। ये सच्चाई मऊ ज़िले की है। दरअसल इस वक्त मैं मऊ ज़िले के घोसी थाने के बड़राव ब्लॉक में हूँ और गाँव का नाम कुढ़ानी है। और यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसे लेकर गाँव अगल बगल के लोग बड़े चिंतित हैं। चिंतित इस वजह से हैं क्योंकि कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है और ये घटना है ऐसी है कि यहाँ पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। वो भी हत्या नहीं, निर्मम हत्या कहा जाएगा क्योंकि ये हत्या ऐसी बताई जा रही है कि भाई सोया था और भाई के ऊपर हथौड़े से तकरीबन एक दो बार नहीं 11 बार प्रहार किया गया और इतने खून आप बता रहे हैं, गाँव वाले तो ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग खून देखे उससे पहले ही चले गए। तो ऐसी स्थिति आप सोचिए इस घर में क्या हो रहा होगा। हालाँकि घर पर अभी कोई लोग नहीं है, जितने भी घर के अगल बगल रिश्तेदार लोग हैं वो हमसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में यही कह रहे हैं कि भैया क्या कहा जाए, बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो हमारी स्थिति आप सोचिए कि हमारे मन में क्या चल रहा होगा। पूरी घटना क्या है सबसे पहले ये बता देते हैं। सबसे पहले हम घटने के बारे में बताते हैं कि दो दिन पहले यूपी पुलिस में कार्यरत संदीप पटेल अपने घर आता है, सोया हुआ रहता है, छोटे भाई से कहता है, क्योंकि तीन लोग थे, छोटे भाई से कहता है कि क्या पढ़ाई कर रहे हो। बड़े भाई से इसी बीच तकरार हो जाती है। छोटा भाई और बड़े भाई के बीच तकरार होने के बाद गांव वाले कहते हैं, गांव वालों की अगर बात की जाए तो गांव वाले कह रहे थे कि तकरार में हो सकता है थप्पड़ मार दिया होगा, ये भी तमाम सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कई लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं इसमें। लेकिन उसी बीच वो बाहर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद जब माँ अंदर चली जाती है तो छोटा भाई हाथ में हथौड़ा लेकर आता है और भाई जो सोया हुआ रहता है उसके सिर पर जोरदार प्रहार करता है और संदीप पटेल यानी यूपी पुलिस में कार्यरत सिपाही की वहीं पे मौत हो जाती है। उसी बीच ये जगह आप दिखा देना चाहते हैं, जा रहा है कि ये शाम की घटना थी और शाम की घटना के बावजूद यही वो जगह है जहां पर ये हत्या हुई है। परिवार में कोई लोग भी नहीं है, परिवार के लोग जो हैं वो बाहर हैं। यहाँ पे तमाम सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। गाँव वालों से बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सवाल बहुत कड़े हैं। सवाल इस वजह से कड़े हैं क्योंकि एक हृदय विदारक घटना तो आपने तमाम देखी होगी, सबके दिल में ये बात रहती है कि समाज बदल रहा है, कलयुग आ गया है और कलयुग में तमाम सी बातें कि कलयुग में भाई भाई का नहीं होता, लेकिन वाकई में ये कलयुग है क्योंकि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। सब ये सोच रहे हैं, वो भी पढ़ाई के नाम पर, या कहा जाए कि पढ़ाई में डांटा है तो इस वजह के नाम पर ये बातें बताई जा रही हैं। चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और आप ये वीडियो देख के आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी भी छोटा भाई पुलिस की पहुंच से बाहर है, पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, मां ने तहरीर दी है, तहरीर पे केस दर्ज हुआ है और केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक यानी दो दिन होने के बावजूद अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे? बस हमारे मन में इतना आ रहा है कि अगर मैं अपने छोटे भाई को डांट दूँ, अगर मैं अपने छोटे भाई को कह दूँ कि वो पढ़े, क्योंकि परिवार में कोई नहीं है, परिवार की पूरी आजीविका उस यूपी पुलिस में कार्यरत संदीप पटेल चलाता था, बड़े बहनों की शादी की और उसके बाद वो यूपी पुलिस में कार्यरत हुआ, यूपी पुलिस में कार्यरत होने के बावजूद छोटे भाई को कहता है कि पढ़ लो, लेकिन आखिरकार ये ऐसी घटना हो जाती है। आप इस वीडियो को देखकर सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे, लेकिन उस परिवार का दर्द समझ लीजिए साहब। आज हम ये वीडियो बना रहे थे तो हाथ काँप रहे थे, इस वजह से क्योंकि हमारा भी बड़ा भाई है, हमारे भी छोटे भाई हैं, हम उन्हें डांट देते हैं, हम उन्हें बोल देते हैं कि पढ़ते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। लेकिन अगर वही भाई हमसे लड़ के और हमारी हत्या कर दे तो सोचिए वो स्थिति क्या होगी। आवाज़ हिल रही है, डर लग रहा है, डर जरूरी है क्योंकि क्या पता वही भाई हमारी हत्या कर दे। आप इस वीडियो को देखकर क्या सोच रहे हैं? गाँव वालों से भी बात करेंगे, पूरी स्थिति जानेंगे। बाकी कोशिश यही है कि इस परिवार को न्याय मिले,
बाकी आप वीडियो देखकर क्या कह रहे हैं ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली है और कमेंट बॉक्स में आप जल्दी जल्दी आप क्या इस खबर को देखकर सोच रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में ये खबर फैल गई है, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये खबर अब दूर तक जा रही है, लोग सोच रहे हैं। कैमरे के पीछे धनंजय और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। बस इस वीडियो की कोशिश यही है कि आपको सजग किया जाए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ साफ देखने को नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद।